वेलकम बैक टू मूवीज 360 और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी बीस्ट को। ये एक लायन सर्वाइवल मूवी है, तो चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। मूवी के स्टार्ट में हम साउथ अफ्रीका के एक नेशनल पार्क को देखते हैं, जहाँ पर कुछ शिकारी शिकार करने के लिए निकले होते हैं। तभी वो एक शेर की फैमिली को देखते हैं जो उनके लगाए हुए चारे को खा रहे होते हैं। वो शिकारी अब उन सब शेरों पर फायरिंग करके उन्हें मार देते हैं, लेकिन एक शेर उनमें से बचकर भाग निकलता है। फिर वो शिकारी उन सब शेरों की डेड बॉडीज को एक गाड़ी में डाल के ले जाते हैं, लेकिन उनमें से दो लोग वहीं रुक जाते हैं ताकि वो और शेरों के लिए जाल बिछा सकें। तभी उसे अपने साथी के चिल्लाने की आवाज आती है, और जब वो उसके पास पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका साथी बहुत बुरी तरह जख्मी होता है। और तभी उसे शेर के धाड़ने की आवाज आती है, जिससे वो डरकर वहां से भागता है, पर वो अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस जाता है और फिर वो शेर उन दोनों को मार डालता है। अब अगले दिन हम नेट नाम के एक डॉक्टर को देखते हैं, जो अपनी दो बेटियों नोरा और मेयर के साथ उसी नेशनल पार्क में वेकेशंस के लिए आते हैं। अब वहाँ उन्हें पिक करने मार्टिन आता है, जो कि नेट का बहुत अच्छा दोस्त होता है। फिर वो उन्हें लेकर उस गांव में आता है जहाँ उनकी मॉम रहा करती थी। दरअसल नेट की वाइफ कैंसर की वजह से मर गई थी, और वो अपनी बेटियों के वेकेशंस पर उन्हें उनकी मॉम के गांव लाता है। और रात में हम देखते हैं कि नेट अपनी वाइफ के मर जाने पर काफी दुखी होता है। अब अगली सुबह मार्टिन सबको सफारी ले जाता है, जहाँ ये लोग बेशुमार अलग अलग जानवरों को देखकर खुश होते हैं। दरअसल मार्टिन इस नेशनल पार्क का मैनेजर होता है और यहाँ के जानवरों की देखभाल वही करता है। अब आगे जाकर मार्टिन उन्हें अपने फ्रेंड बेंजी से मिलवाता है, जो यहाँ के जानवरों की देखभाल करता है। अब मार्टिन उन्हें वहाँ शेरों का एक झुंड दिखाता है, जिन्हें देखकर मेयर और नोरा घबरा जाती हैं। पर तभी मार्टिन उन्हें बताता है कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, इन शेरों को उसी ने पाला है। फिर मार्टिन जैसे ही उन शेरों के पास जाता है, तो ये शेर भागकर उसके पास आ जाते हैं और उससे खेलने लगते हैं। और तभी मार्टिन एक शेरनी के पांव को जख्मी देखता है, और वो समझ जाता है कि जरूर इसे शिकारियों ने जख्मी किया होगा। अब मार्टिन बेंजी को इसके इलाज के लिए वेट को ढूंढने का कहता है, और वो खुद नेट की फैमिली के साथ आगे की तरफ बढ़ता है। अब आगे जाकर मार्टिन उन्हें एक गांव में लाता है, जहां पहुंचकर वो देखते हैं कि पूरा गांव सुनसान पड़ा है और उन्हें वहां कोई नजर नहीं आता। और अब जब वो आगे जाते हैं, तो उन्हें एक जगह पर गांव वाले की लाशें मिलती हैं, जिन्हें देखकर मार्टिन समझ जाता है कि ये किसी शेर का काम है। लेकिन कोई भी शेर इस तरह नहीं करता कि अपने शिकार को मार के छोड़ दे, इसीलिए वो और भी घबरा जाता है। अब मार्टिन उन सबको गाड़ी में बिठाकर वहां से ले जाने लगता है, और थोड़ा ही आगे जाने के बाद उन्हें एक जख्मी आदमी रास्ते पर पड़ा मिलता है, जिसे देखकर मार्टिन पहचान जाता है कि ये उसी गांव का आदमी है। और वो बताता है कि गांव पर एक शेर ने हमला कर दिया था। अब ये सुनते ही मार्टिन अपनी राइफल तानकर शेर को ढूंढने निकल पड़ता है, और वही नेट उस आदमी को बचाने के लिए उसे फर्स्ट एड देने लगता है, पर बदकिस्मती से जख्मों की वजह से वो जान की बाजी हार बैठता है। दूसरी तरफ मार्टिन शेर को ढूंढते हुए एक तालाब के पास पहुंचता है, और तभी उसे वहां शेर की आवाज आती है, जिस पर वो गोली चलाता है, पर शेर बच जाता है। अब फायर की आवाज से मेयर और नोरा डर जाते हैं, और नेट फायर की आवाज की तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसे शेर उसकी तरफ आता दिखाई देता है, तो नेट फौरन भागकर अपनी गाड़ी में सही टाइम पर बैठ जाता है। अब वो शेर उनके पीछे पड़ जाता है। फिर शेर खुली हुई विंडो से नेट पर अटैक करके उसे बाहर खींचने लगता है। तभी मेयर गाड़ी चलाने लगती है, और नेट शेर के मुंह पर लात मार के उसे वहां से हटा देता है। पर कुछ ही आगे जाकर उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब इस सबसे वो तीनों तो बच जाते हैं, पर उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। वही नोरा और मेयर काफी घबराई हुई होती है। नेट उन्हें समझाता है कि जल्द ही कोई ना कोई उनकी मदद के लिए आ जाएगा। अब तभी उन्हें वॉकी टॉकी से आवाज आती है, जो मार्टिन की होती है, और वो उन्हें बताता है कि शेर ने उसे जख्मी कर दिया था और वो चल नहीं सकता। और तभी शेर वापस से मार्टिन के पास आता है। अब नेट उसे कहता है कि वो उसके पास आ रहा है, तो मार्टिन उसे मना करता है और कहता है कि वो गाड़ी से ना निकले, क्योंकि शेर उसके पास से चला गया है और वो यकीनन तुम लोगों की तरफ आ रहा होगा। ये सुनते ही नेट गाड़ी में रखी डार्ट राइफल लेकर गाड़ी के ऊपर खड़ा होता है, और उसे दूसरी तरफ से वो शेर आता हुआ दिखाई देता है। और वहीं मेयर मार्टिन की मदद करने उसकी लोकेशन की तरफ बढ़ने लगती है, तो नेट उसे मना करता है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनती। और तभी शेर भी वहां पहुंच जाता है, और वो नेट पर हमला करके उसे गाड़ी से नीचे गिरा देता है। अब नेट फौरन गाड़ी के नीचे छुपकर खुद को शेर से बचाने लगता है, और शेर उस तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। और तभी गाड़ी में बैठी नोरा एक बेहोशी वाला डार्ट शेर पे लगा देती है, जिससे शेर बेहोश होने लगता है, तो वो वहां से चला जाता है। वही मेयर मार्टिन को गाड़ी तक लाने में कामयाब हो जाती है। फिर नेट उसे फौरन फर्स्ट एड देने लगता है, और जख्मों की ताब ना लाते हुए मार्टिन वहीं बेहोश हो जाता है।
अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो जाती है और मार्टिन को होश आ जाता है और वो नेट को बताता है कि शायद उस शेर की फैमिली को शिकारियों ने मार दिया होगा, इसीलिए वो इतना खतरनाक होकर सबको मार रहा है, वरना कोई भी शेर किसी पर इस तरह हमला नहीं करते। अब तभी उन्हें वहाँ कुछ गाड़ियों की आवाज आती है, तो नेट उधर का देखता है तो वहाँ वही शिकारी होते हैं। फिर नेट उन्हें शेर के हमले के बारे में बताता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे और उसकी फैमिली को यहाँ से ले जाएं। तो शिकारी डॉलर्स लेकर उसे वहाँ से ले जाने के लिए मान जाते हैं और तभी एक शिकारी मार्टिन को देखकर उसे पहचान जाता है कि उसे देखकर वो सब भड़क जाते हैं और नेट पर अपनी गन तान देते हैं, क्योंकि मार्टिन उनके इलीगल शिकार करने पर उनके अगेंस्ट था। पर तभी वो लोग कुछ और करते हैं, वहाँ शेर आ जाता है और उन शिकारियों पर हमला कर देता है। अब शिकारी भी शेर पर फायरिंग शुरू कर देते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं, पर शेर एक एक करके शिकारियों को मारने लगता है। वही मार्टिन ये प्लान बनाता है कि वो लोग शिकारियों की गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाएंगे, पर गाड़ी की चाबी किसी शिकारी के पास थी और वो शेर के पीछे निकल गए थे। तो नेट भी उस तरफ बढ़ता है जहाँ उसे शिकारियों की लाशें मिलती हैं। तो नेट एक एक करके उन्हें चेक करने लगता है और फिर कुछ देर के बाद उसे एक शिकारी की जेब से गाड़ी की चाबी मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेर गाड़ी पर हमला कर देता है, जिसमें मार्टिन, मेयर और नोरा होती हैं, जिससे उनकी गाड़ी बैलेंस खोने लगती है और इसी बीच शेर मेयर को भी जख्मी कर देता है। तो मार्टिन फौरन उन्हें गाड़ी से निकलने का कहता है और खुद शेर के साथ खाई में गिर जाता है, जिसमें वो और शेर जख्मी हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि गाड़ी का फ्यूल लीक होने लगता है और शेर दोबारा उठकर मार्टिन पर हमला करने आने लगते हैं। तो मार्टिन अपनी जेब से लाइटर निकालता है और उससे गाड़ी को ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो और शेर आग के लपेट में आ जाते हैं और इसमें मार्टिन मारा जाता है और शेर वहां से चला जाता है। तभी वहाँ नेट भी पहुँच जाता है और वो जलती हुई गाड़ी देखकर काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि मार्टिन ने उसकी बेटियों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है और नेट शिकारियों की गाड़ी लेकर गांव की तरफ बढ़ रहा होता है कि तभी वो नोटिस करता है कि गाड़ी का फ्यूल खत्म होने वाला है और मेयर की भी हालत बुरी थी शेर के अटैक की वजह से। तभी उसे एक पुराना स्कूल दिखाई देता है, तो नेट मेयर और नोरा को लेकर उस स्कूल में आ जाता है और फौरन ही मेयर का ट्रीटमेंट करने लगता है। अब ट्रीटमेंट के बाद नेट मदद के लिए कॉल करने लगता है, लेकिन टेलीफोन खराब होता है और वहीं दूसरी तरफ वो शेर उनके पीछे वहां तक पहुंच जाता है और वो ब्लास्ट से काफी जख्मी हो चुका था और उसे देखकर मेयर और नोरा काफी डर जाती हैं और वहीं छुप जाती हैं। अब नेट जैसे ही उनके पास वापस आता है तो वो शेर को देखकर उस पर फायर करता है, पर शेर बचकर वहां से चला जाता है। इसके बाद नेट मेयर और नोरा को एक रूम में बंद करके शेर को उनसे दूर ले जाने का सोचता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये शेर उनका आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाला। अब नेट उस शेर को अपने पीछे लगाकर उसे स्कूल से दूर ले आता है। इसके बाद वो शेर नेट पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है। और तभी हम देखते हैं यहाँ वो शेर भी मौजूद है जिन्हें मार्टिन ने पाला था, मतलब कि नेट का प्लान था उस शेर को इन शेरों तक लाना और यहाँ वो शेर इस शेर पर हमला कर देते हैं और इससे लड़ने लगते हैं। और यहाँ वो दोनों शेर मिलकर उस जख्मी शेर को मार डालते हैं और उसे उसके दर्द से निजात दिला देते हैं। वहीं हम नेट को देखते हैं जो काफी जख्मी होता है और तभी उसे गाड़ी की आवाज आती है, जिसमें मार्टिन का साथी बेंजी होता है और तभी नेट बेहोश हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम नेट को एक हॉस्पिटल में देखते हैं और उसे जैसे ही होश आता है तो वो अपने पास नोरा और मेयर को सही सलामत देखकर काफी खुश होता है। इसके बाद हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम उन तीनों को दोबारा उसी नेशनल पार्क में देखते हैं जहां वो एक फैमिली फोटो लेते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहां पर खत्म हो जाती है। तो गाइज आप लोग को ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कर दें और मजीद मेरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।